चल 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 भाई साहब भाई, अरे तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का कंपैरिजन टेस्ट हम आपके लिए लेके आए हैं यामाहा R15M वर्सेस ड्यूक 250 में। हालांकि सीसी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, 155 सीसी और 250 सीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, लगभग 100 सीसी का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन बनता है बिकॉज इसका प्राइस है 232,000, इसका प्राइस है 280,000। स्पेक्स की बात करें तो 30 पीएस की पावर है इसमें, स्पेक्स की बात करें तो भाई साहब 18 पीएस की पावर है इसमें। फ्रंट टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 100 सेक्शन का टायर, रियर आपको मिलता है 140 सेक्शन का टायर। इसमें आपको 110 सेक्शन का टायर मिल जाता है फ्रंट में, और रियर में आपको मिल जाता है 150 सेक्शन का टायर। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ ऐसा मिलता है भाई, देख सकते हो TFT डिस्प्ले, कलर्ड नहीं है, लेकिन इसमें भी आपको सुपर मोटो मोड, क्विक शिफ्टर वगैरह मिल जाता है, और सेम चीज़ें इसमें भी आपको मिल जाती हैं। इसका भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगभग ऐसा ही है, ठीक है, शिफ्टर वगैरह इसमें भी आपको मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इसमें भी मिल जाता है। तो इन दोनों का एक कंपैरिजन टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन सी बाइक फास्ट है, क्या यामाहा R15 इसके साथ कोप अप कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 250 सीसी की बाइकों को ये टक्कर देती है, इसीलिए हमने कहा कि नई वाली ड्यूक 250 के साथ देखते हैं कि क्या ये टक्कर दे पाती है या नहीं दे पाती है। सो चलिए शुरू करते हैं बैटल को। सबसे पहले मैं चलाऊंगा ड्यूक, उसके बाद हम राइडर स्विच करेंगे, और इधर से शायद विंड हमारे फेवर में है तो हो सकता है उसका फायदा भी R15 को मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि जरा सा भी विंड ब्लास्ट होता है तो R15 की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन अगर विंड सेम डायरेक्शन में हो भाई तो बहुत अच्छा कोप अप करती है, बहुत अच्छी स्पीड पकड़ती है। और इकलौती 155 सीसी की ये गाड़ी है जो 155 इजीली टच कर जाती है विंड फेवर में हो तो। तो लेट्स सी कि क्या होने वाला है। हम चलाने जा रहे हैं ड्यूक 250। क्या बात है भाई, ड्यूक में बहुत पावर है इनिशियली भाई, एकदम सटाक से निकल गई। भाई इनिशियल केडीएम ड्यूक 250 का बहुत अच्छा है, जो कुछ भी कहो, बहुत ज़्यादा केडीएम ड्यूक 250 भाई जो है पावरफुल है यहाँ पर इनिशियल पंच में। हाँ ये कह सकते हो उसमें लिमिटर की वजह से हो सकता है वो पीछे आ जाए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। वो देखो R15 पीछे धुआं हो गई और एकदम से कोहरा बढ़ गया है गाइस, एकदम से कोहरा बढ़ गया पता नहीं कहां से। इधर विंड फेवर में है, 142 पहुंच गई, गजब भाग रही है भाई 143। R15 भी गजब भागेगी इधर क्योंकि हवा सेम डायरेक्शन में चल रही है। 146 गाइस, अभी तो R15 इसकी टॉप स्पीड तक देखता हूँ कितना जाएगी। 148, 149, 150, चीरते हुए निकल गई भाई। अब क्या ही करोगे, देख रहे हो कहाँ चली गई वो देखो गैप। भाई साहब बहुत तेज जा रही है ड्यूक 250। हाँ हालांकि मौका दे तो शायद थोड़ा सा हो सकता है R15M उसके पास, लेकिन ड्यूक 250 बहुत ही ज्यादा पावरफुल है भाई, ये देख रहे हो देखो ड्यूक 250 कहाँ पे है भाई, 145 का ही है ये, 46, 47, 49, 49 और चल। के ऊपर जा नहीं पा रही है, 148, 150, 150, बस इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा रही है उसको भैया, बहुत तेज ले के गए हैं।
उसकी टॉप स्पीड तो 150 इजीली पहुंच जा रही है गाइस। अब R15 आ रही है पीछे भाई, देखते हैं वो, देखो आ रही है। जीत नहीं पाई गाइस, R15 जीत नहीं पाई यार। अब एक बैटल, वैसे मैं उस पे जाऊंगा तो भी नहीं जीत पाएगी, एक बैटल रोलिंग रेस कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट रहेंगे भाई। कितना है गाइस? 150। चलो रोलिंग करो, ऐसे तो जीत नहीं पाओगे, मौका देना बेकार है। चलो हाँ भाई, क्या हो गया? भाई साहब वो पर भी नहीं जीत पाएगी। हाँ थोड़ा थ्रॉटल कम कर रहा हूँ, और तेज। अरे हाँ वाह वाह, पीछे लगाए रहना एकदम, फुल चल 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 एकदम हुला लाला कर देना भाई। एकदम भूला लाला कर देना, ठीक है? चल 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 भाई साहब, भाई अरे फुल स्लिम स्विमिंग उठाएंगे भाई, फुल स्लिम स्विमिंग करेंगे यहाँ पे। ये आ गया लौंडा। हाँ बाबा तंबूड़ा लगाए हो इतना। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्लिप स्विमिंग जब गौरव ने करी तभी ये बगल में टिक पाई, और वो भी बगल में ही टिक पाई, उससे ज़्यादा नहीं। 152 पहुँच गई है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है KTM ड्यूक 250। मज़ा आ गया भाई, 2,80,000 लगाना वसूल हो रहा है यहाँ पे। ये इधर विंड फेवर में होने के बाद भी, 150 पहुँचने के बाद भी भाई ड्यूक को एक पीछे नहीं कर पा रही है। सो गाइज आप लोगों ने रिजल्ट देख ही लिया, आई होप आपको मज़ा आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइज।